Namaskar, one and all. Welcome Isha online classes. Please subscribe my channel, like it, share it. Today we are going to discuss about 100 important questions from psychology, question and answers, and this basically totally for competitive exam. It may be national level, it may be state level. So isme se pakka 100% questions aapke exam mein aayega. So take a pen and note down whatever I am telling you. Hindi terminology maybe I am going to use very less. Try to understand. तो फर्स्ट है हम लोग हु इज़ द फाउंडर ऑफ द साइकोलॉजी, कौन है साइकोलॉजी का फाउंडर, विल हेल्म मूट, उनके बारे में देखेंगे. विल हेल्म मूट उनका कार्यकाल है 1832 से लेकर 1920 तक, एंड ही इज़ फ्रॉम जर्मन एंड ही इज़ अ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, फिलासफ़र, प्रोफेसर. मगर उन्होंने कभी अपने आप को खुद को साइकोलॉजिस्ट बोल के नहीं बोला. और हु इज़ द फाउंडर ऑफ द लेबोरेटरी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, ही इज़ ओनली फाउंडर ऑफ द फर्स्ट लैब साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी. तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको, इसके अंदर से कम 10 क्वेश्चंस निकलेंगे विल्म हेल्महोल्ट्ज के अंदर. उनके शिष्य कौन है ये भी इम्पॉर्टेंट है. उनका स्टैनली हॉल है जो अमेरिका के है बंदा, उन्होंने इनका शिष्य है. और एक है जेम्स कैटल, ये भी इनका शिष्य है. बहुत सारे शिष्य हैं मगर ये दोनों बहुत फेमस हैं. और स्टैनली हॉल ही है जो यूएसए के अंदर साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है. और ये जो बंदा है विल्म हेल्महोल्ट्ज, ये बेसिकली टोटली जर्मन है. तो लिप्जिक जगह पे 1879 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने साइकोलॉजी लैबोरेटरी स्टार्ट किया है, फॉर्मल लैबोरेटरी. एंड ही नोन एज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, विल्म हेल्महोल्ट्ज. सो कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं, हर एक मेरा वाक्य क्वेश्चन बनेगा. और एक बात है कि इन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है, इन्होंने तीन चीज़ों को, तीन एरियाज़ को इम्पोर्टेंस दिया है विल्म हेल्महोल्ट्ज. थाट्स को लिख लीजिए, इमेजेस को एंड फीलिंग्स को. थाट्स, इमेजेस एंड फीलिंग्स को, आज हम उसी को साइकोलॉजी के अंदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोल के हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने ही दिया है. और वॉट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन, टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वॉट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. वॉट इज़ अ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज़ वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे. साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन, एजुकेशन को कैसा बनाया साइकोलॉजी, कैरिकुलम सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर. यहाँ पे साइकोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन एज अ चाइल्ड सेंटर. चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, विद्यार्थी के अगल बगल में घूमता है एजुकेशन. सो चाइल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज़ बेसिकली सजेस्टेड बाय साइकोलॉजी. हु मेड साइकोलॉजी एज अ साइंस, ये क्वेश्चन है. तो ये विल्हेल्महोल्ट्ज ने बनाया साइकोलॉजी एज अ साइंस. ये साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया है, बायोलॉजी एंड फिलॉसफी से लिया गया है. अब और एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन यूएसए क्रिएटेड बाय और एस्टैब्लिश्ड बाय स्टैनली हॉल, जी स्टैनली हॉल. ये इन्होंने 1883 के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश किया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. दिस हेल्प मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूएसए एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फर्दर ग्रोथ ऑफ द फील्ड. इनसे ही यूएसए के अंदर साइकोलॉजी ग्रोथ हुआ, किसके द्वारा, साइकोलॉजी स्टैनली हॉल के द्वारा. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हु सेट हर हु डिफाइंड फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सॉर्ट. पहले तो साइकोलॉजी क्या बोला था कि आत्मा, व्हाट इज़ अ साइकोलॉजी, मतलब आत्मा के बारे में पढ़ते हैं. बाद में साइकोलॉजिस्ट आके बोले कि आत्मा दिखता नहीं है और निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में, दिमाग के बारे में पढ़ते हैं. साइकोलॉजी माने दिमाग की, दिमाग के बारे में पढ़ना. बाद में साइकोलॉजिस्ट बोले दिमाग के बारे में नहीं, कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में साइकोलॉजी. बाद में फिर साइकोलॉजिस्ट क्या बोले कि नहीं नहीं टोटली बिहेवियर, जैसा इंसान बिहेवियर करता है वही साइकोलॉजी है. तो पहले सोल था, सोल
then mind, then consciousness. At last and least, psychologist said that psychology is nothing but we study about the behaviorism of the person. So who given this nice definition? Woodworth R.S. given this nice definition, very important for all competitive exam. Next, abhi important question hai ye. Who is the founder of behavior school of psychology? William जेम्स है, जॉन डूवी है, कोयलर है, जे बी वॉटसन है. ऐसे चार ऑप्शन देंगे अपने को. जे बी वॉटसन इज़ द फाउंडर ऑफ द बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. जे बी वॉटसन बहुत बड़ा फेमस है. लास्ट को उन्होंने ही बताया था कि साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. उन्होंने ये दावा किया कि मुझे कितना भी बच्चे दे दो, एक एक किताब में एक एक के नंबर दिया गया है, किसी में 13, किसी में 40 बच्चे दे दो मुझे, आप चाहे तो मैं उनको इंजीनियर बनाऊंगा, आप चाहे तो आप में चोर बनाऊंगा, आप चाहे तो उसको डॉक्टर बना सकते. मतलब साइकोलॉजी जो जानता है बच्चे को मोल्ड कर सकता है साइकोलॉजी के थ्रू. किसने कहा? जे बी वॉटसन. तो एज अ टीचर हम लोग ये वेपन है साइकोलॉजी अपने हाथ में कि वी कैन मोल्ड द चाइल्ड साइकोलॉजी टूवर्ड्स गोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. जे बी वॉटसन किताब लिखे थे एक साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू. उसके अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ द बिहेवियरिस्ट का आउटलाइन दिया गया है इस बुक के अंदर. नेक्स्ट. और एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर प्रयोग किसने किया है? हु डन प्रैक्टिकल ऑन और अल्बर्ट चाइल्ड ऑन अल्बर्ट चाइल्ड. ये प्रैक्टिकल ही है कि टू फियर ऑफ ए वाइट रैट, सफ़ेद चूहा या सफ़ेद खरगोश बच्चे के सामने रखते हैं और ज़ोर से आवाज़ करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे से वो आवाज़ से डरने लग जाता है और वो ऑब्जेक्ट से भी, जो ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे रैट है या खरगोश है, उसको देख के भी डर जाता है. तो ये जे बी वॉटसन एंड राइनार बोल के दो थे 1920 के अंदर. कंडीशनड ऑन द ऑर्फन कॉल्ड अल्बर्ट बी टू फियर ऑफ ए वाइट रैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक बात है जे बी वॉटसन के बारे में. वॉटसन 1913 के अंदर क्या बोले थे? स्टेटेड दैट साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्टिक व्यूज, इट इज़ ए प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस. इट्स थियोरेटिकल गोल इज़ प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. हिंदी में देखिए कि 1913 के अंदर वॉटसन ने क्या बोला. साइकोलॉजी क्या है? एक बिहेवियर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है. ये प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल है जो नेचुरल साइंस का ब्रांच है. एंड थियोरिटिकल गोल क्या है इसका? प्रिडिक्शन करना एंड कंट्रोल करना. नेक्स्ट. और बिहेवियरिज्म के अंदर क्या बताया गया है कि पीपल हैव नो फ्री विल, अ पर्सन एनवायरनमेंट डिटरमाइंस देयर बिहेवियर. तो हम लोगों का एनवायरनमेंट जो है, जो सराउंडिंग्स है अपने ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अपना बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं. तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग टू और एक शब्द है टैबुला रसा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैबुला रसा? ब्लैंक स्लेट. तख्ता होता है, एक तख्ता होता है, स्लेट होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है. मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके दिमाग खाली रहता है, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है. एनवायरनमेंट जैसा सराउंडिंग्स मिलता है वो बच्चा उस दिमाग के अंदर लिखता जाता है, मतलब वो स्लेट के अंदर लिखता जाता है. तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म वाले क्या है, एनवायरनमेंट को, जो सराउंडिंग्स को बहुत इम्पॉर्टेंस दिया है. जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, सराउंडिंग में मिलता है, उस हिसाब से उसका पालन पोषण होता है और उसके हिसाब से उसका इमोशंस है, थिंकिंग्स है, स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट. अब देखेंगे बिहेवियर क्या होता है. बिहेवियर, व्हाट इज़ अ बिहेवियर? बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उद्दीपन और प्रक्रिया हिंदी के अंदर. सो हिंदी के शब्द अगर गलत हो तो मुझे माफ़ करना. व्हाट इज़ अ बिहेवियर? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. इसके ऊपर ही अपने को थियरीज बना हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ बिहेवियरिज्म के ऊपर. क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन थियरीज हम देखा जाएंगे, जैसे पावलो का है, वॉटसन का है, उन लोग थॉर्नडाइक का है, ये सारे इसके अंदर बिहेवियरिंग के अंदर आते हैं. तो स्किनर भी है इसके अंदर. तो दो थियरीज मिलेंगे, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन थियरीज. तो व्हाट इज़ अ बिहेवियर? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, रिजल्ट्स ऑफ. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्किनर. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. 1936 ही रोट ए बुक, एक किताब लिखा था स्किनर ने, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड शेपिंग. सो यहाँ पे आपको किताब का नाम दिया जाएगा, कौन लिखा है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
रिटन बाय स्किनर। साइकोलॉजी के अंदर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चाइल्ड फर्स्ट कहाँ पे लर्न करना शुरू करता है, बच्चा फर्स्ट स्कूल क्या है बच्चे के लिए, विच इज़ अ फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड इज़ अ फैमिली ओनली फर्स्ट स्कूल। तो बच्चा जब परिवार में पैदा होता है वहाँ से इनफॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन कितनी तरह से लिया जाता है हम लोग, फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल के अंदर जो कैरिकुलम बेस्ड हम किताबें खरीद के एक टीचर के सामने बैठ के एग्ज़ाम लिख के फिर सारा एक प्रोसेस के हिसाब से चलता है उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई एवेल्युएशन नहीं होता है, परीक्षा नहीं होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, बस ऑब्जर्वेशन करके हम लोग सीखते हैं। तो ये जो है फैमिली है, बाद में सोसाइटी आता है। पहला तो फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड इज़ फैमिली ओनली। सो साइकोलॉजी गिवन मच इम्पॉर्टेंस, मोर इम्पॉर्टेंस टू द फैमिली। वॉट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस में नॉर्मेटिव है, प्योर साइंस है, या कुछ और देते हैं, अप्लाइड साइंस है क्या? तो इट इज़ ए टोटली एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए एन अप्लाइड साइंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, किसने बताया था ये? स्किनर ने बताया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसका ब्रांच है? साइकोलॉजी का ही ब्रांच है बोल के स्किनर बताया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे कंसर्न करता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया जाएगा आपको, द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, तो इस सारों से ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न करता है। क्या? विद्यार्थी और जो सीखने का पद्धति और जो सीखने का सिचुएशन जो है, इस सारों से एजुकेशन साइकोलॉजी कंसर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या है मेन की फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स विल इंडिकेट द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन सा फैक्टर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप इंडिकेट करते हैं? तो फाइव लिख लीजिए आप, फाइव फैक्टर्स है, द लर्नर विद्यार्थी सीखने वाला, द लर्निंग एक्सपीरियंस सेकेंड वन, थर्ड वन लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ वन लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, फिफ्थ वन द टीचर। फिर से एक बार बोल लूँगी, लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट एंड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द पॉइंट, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, हिंदी के अंदर वृद्धि एंड विकास। सो इसके अंदर चार ऑप्शन दिया जाएगा ग्राउथ के हिसाब से, कौन सा सही है इसके अंदर, कौन सा गलत है, और डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो आप तो सब जानते हैं ग्राउथ वृद्धि दिखता है फिजिकली, जो बच्चा बढ़ता है, हाइट वेट है, वो सब कुछ चीज़ें दिखता है किसके अंदर, ग्राउथ के अंदर। ये सर्टन पीरियड तक होता है, क्योंकि हम लोग कितने उम्र तक पढ़ते हैं, 18 साल, लड़कों में कोई डिफरेंट होता है, लड़कियों के अंदर डिफरेंट होता है, मतलब एक लिमिटेड पीरियड तक ही हम बढ़ेंगे। ग्रोथ तो लिमिटेड पीरियड तक ही रहता, विकास तो पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ग्रोथ के अंदर क्या होता है, मेचुरेशन, जो मेच्योरिटी पीरियड होता है उसी के अंदर आ जाता है। तो दिखता है क्या है, ग्रोथ है, ये इसको मेजर कर सकते हैं, मगर विकास को, डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, विकास हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, बट ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं एंड वी कैन सी एंड नंबर्स के अंदर हम लोग ग्रोथ को ले सकते हैं। सो ऐसा डिफरेंट, आप थोड़ा सा डीपली पढ़ो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाट इज़ एक्चुअली, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये जो दोनों फैक्टर्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ के अंदर। बच्चा जो वृद्धि करता है उस हेरिडिटी के ऊपर भी रहता है, माँ बाप लंबे होते तो बच्चे, और एनवायरनमेंट जैसे उसके सराउंडिंग्स मिलते हैं, जैसे खान पान अच्छा हो या खेलना कूदना अच्छा हो तो ग्रोथ अच्छा रहता है बच्चे का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वी डब्ल्यू ए केली के हिसाब से 1947 में वो क्या बोला कि एजुकेशन साइकोलॉजी नेचर क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी से हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है, क्यों पढ़ना है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू केली क्या बोलता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इफ़ यू नो वेल, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी गिव्स अस नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड। तो हम लोग बच्चे के नेचर के बारे में नॉलेज पा सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, एंड टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड एम एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या एम है,
स्वभाव क्या है, पर्पस क्या है, थ्रू एजुकेशनल साइकोलॉजी हम मालूम कर सकते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच हैव बीन यूज इन अराइविंग एट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, टू ड्यू ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एबिलिटीज एंड अचीवमेंट इन स्कूल सब्जेक्ट्स, टू गिव ए नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, टू असिस्ट इन अ बेटर एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम टू प्रिवेंट माल एडजस्टमेंट. बच्चे को एडजस्टमेंट करने में क्या दिक्कत आ रहा है, वहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. और स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जैसे मेजरिंग द एबिलिटीज़, बच्चों का एबिलिटीज़ अचीवमेंट्स मेजर कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट के अंदर रुचि ले रहा है और क्यों नहीं रुचि ले रहा है दूसरा, और नहीं लिए तो उसके अंदर टेक्निक्स क्या यूज़ करना है बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा रुचि डेवलप करने के लिए. देन टू स्टडी द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस. बच्चों आप टीचर भी एक्चुअली फर्स्ट टीचर का क्वालिटी क्या होता है कि हम लोग इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए क्लास के अंदर. एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है एंड इमोशनल कंट्रोल करने से क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है. टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग. करेक्ट ट्रेनिंग क्या है उसको समझने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी. मेरे वीडियो को दो बार सुनिए इसको तो आप समझ जाएंगे. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई कांट एक्सप्लेन मोर. आई हैव टू गिव फ्यू मोर क्वेश्चन, सो दैट्स वाई अगर मैं इसको समझाती जाऊँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर. नेक्स्ट नाउ डेफिनेशन स्टार्ट. डेफिनेशंस मालूम होगा साइकोलॉजी के बारे में कौन क्या बोला है. बी एफ स्किनर क्या बोला है साइकोलॉजी के बारे में. साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स. राइट डाउन बी एफ स्किनर वॉट ही सेड. साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट क्रो एंड क्रो क्या बोला है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. कौन बोला है, क्रो एंड क्रो. देन अभी ई स्किनर के और एक है स्किनर है, वो क्या बोला है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में कि ये डील करता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस. कहाँ पे, एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बिहेवियर को हैंडल करता है, डील्स करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. कौन बोला है, ई चार्ल्स ई स्किनर. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट ई ए पील क्या बोला है. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन. व्हाट ही सेड ई ए पील. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये साइंस ऑफ एजुकेशन है. एजुकेशन के अंदर साइंस है जो साइकोलॉजी जानता है. तो एक्सपेरिमेंट साइंस, व्हाट इज़ अ साइंस, साइंस इज़ अ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट पील का मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर. टीचर को क्या हेल्प करता है, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल्स, द रेंज एंड द लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप. देखो ये ई ए पील कितना अच्छा बताया. एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को क्या हेल्प करता है, बच्चे को अंडरस्टैंड करने में, और बच्चे का रेंज क्या है, कितना तक पढ़ सकता है, उसका लिमिट्स क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, सामर्थ्य क्या है उसका, और वो जानने के बाद प्रोसेस बाय विच द लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप. तो टोटली पूरा पूरा बता दिया. एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर जान जाता है तो बच्चे को पढ़ाने में बहुत आसान होगा. ई ए पील का डेफिनेशन बहुत अच्छा है, तो फिर से एक बार सुनिए. एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल्स, द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप. कौन से प्रोसेस से बच्चा सीखेगा और उनका सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, किसके बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करता है, माता पिता के साथ सोसाइटी के अंदर कैसा रहता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा डेफिनेशन. मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट फिर से देखना आपको. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट. अच्छा लगे तो बोलना, और मैं क्वेश्चन से पार्ट टू में और क्वेश्चन दूंगी. आपको कैसा लगा है, यूज़फुल है नहीं है, और कुछ चेंज करना है, प्लीज़ गिव सजेशंस टू मी, गिव मी फीडबैक रिगार्डिंग माई टीचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर आरपीएससी स्टूडेंट्स.